धनबाद जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में कल की मतदान की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धनबाद जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में कल के मतदान की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि मतदान के दिन सभी 2372 बूथ की वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जाएगी। 20 तारीख का जो चुनाव होना है वो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के हिसाब से स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से हम लोग संपन्न करा सकेंगे। उपायुक्त ने निष्पक्ष चुनाव पर जोर देते हुए बबताया कि जांच अभियान के दौरान अभी तक 3 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा 27,55,000 से अधिक की शराब, 14 लाख रुपए से अधिक के मादक पदार्थ, 16 लाख रुपए से अधिक के जावा महुआ और 17 लाख रुपए से अधिक के चांदी के मेटल जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये जाँच अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और प्लस जो भी मालिकों हमारे सबसे बड़े अपार्टमेंट्स या कॉलोनी एरियाज हैं वहाँ पर हम लोगों ने सर्वे किया तो वहाँ पाया कि उनके जो बूथ है वो बहुत ही नियर बाई है तो वहाँ के रेजिडेंट्स को वहाँ जाके वोट करने में कोई समस्या भी नहीं थी तो वो चीज हम लोगों ने अपने सर्वे करी है तो अलग से उनके लिए बूथ नहीं क्रिएशन किया गया है बट हाँ वहाँ पे वोटर अवेयरनेस का काम हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से किया है। उम्मीद है कि हम लोग को 20 तारीख को उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। 28 QRT बनाए गए हैं, वहीं 3 लेयर में निगरानी व्यवस्था काम करेगी। जब आप लोग अपना घर से निकल के वोट दे, हमारा टारगेट ये कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में हम लोग जितना वोट दिया है उससे ज्यादा हमको वोट देना है। आपका दायित्व है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाइएगा और अपना पावर आपके हाथ में जो है उसको आप यूज करते हुए अपना सरकार को चुनने का कोशिश कीजिएगा। धनबाद उपायुक्त और SSP ने लोगों से बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।